अबे लेट हो गई, जल्दी उठ जल्दी उठ। नो भाई जाना था। तो गाइस सुबह के बजे हैं 9 और मेरे को अभी कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और मेरे को रंगोली मेकिंग कंपटीशन में भी जाना था। तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, उठ नहीं पाता हूँ मैं टाइम से, और लेट जाना तो मेरी फितरत में ही है। अभी पता लगेगा वहाँ पे जाकर, आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या होता है। आज बहुत कुछ होने वाला है वैसे दिन में। लेट्स गो। हे गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम आए हुए हैं कॉलेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब मैं अपने कॉलेज आया हूँ। तो आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं नेशनल मिल्क डे, जिसमें मैंने लिया है रंगोली मेकिंग कंपटीशन में। तो थोड़ी देर बाद आपको दिखाता हूँ कि रंगोली कैसी बनाई है हमने, और हमारी टीम में और भी 3 मेंबर हैं। चलो दिखाता हूँ अंदर जाके। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है अंदर। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? आप क्या कहना चाहोगे मेरी रंगोली के बारे में? एक नंबर का बवाल चीज बना रहा हूं। बवाल चीज के लिए मैं बाहर लाऊंगा कल ही, दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। दिल्ली के लिए अच्छा भाई, प्रधानमंत्री जी से बात, प्रधानमंत्री जी से मुहार लगा दी, राष्ट्रपति जी भारत रत्न तो पक्का ही है, एकदम उससे ऊपर भी होगा तो बनवा देंगे, बिल्कुल रहेंगे हम। उससे ऊपर कोई अवार्ड होता है आपको मिल जाएगा। देख रहे हो गाइस मट्ठे की तलब। हाँ ये कर लो पहले। मजा आया। करना है अब हम जाएंगे वापस हॉस्टल से फिर आएंगे खाना खा के, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी एक, उसमें देखते हैं क्या होता है। तो भाई अभी हम हॉस्टल पहुँचने वाले हैं, सौरभ को ठोकने वाले हैं, हम सौरभ को ठोकने वाले हैं, बच गया सौरभ। तो फाइनली गाइस रेडी हो चुके हैं, तो अभी शायद हमें प्राइज ही मिलेगा, तो उसके लिए कोट वोट भी पहन चुके हैं, एकदम रॉक कर देंगे जाके वहाँ पे। तो गाइस अभी लौंडे तैयार हो चुके हैं और चलते हैं यहाँ पे, चलते हैं जहाँ हम ले चले। चलो तो हम ले चलेंगे कॉलेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट की तरफ। मेरा बच्चा है शाम, तेरी भाई चलते हैं। ए, रुक जा, पैर तो तेरे आ नहीं रहे। गजब बेइज्जती है। तो गाइस हम आ चुके हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में, है किस पे? मिल्क डे पे, ठीक है? नेशनल मिल्क डे है आज। दूध दिखा दो उधर, बहुत दूध ही दूध। कोई सेंस है इस बात की?
तो गाइज मैं आ चुका हूँ जिम अपने, आज आपको जिम का टूर भी करा देता हूँ। मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, मतलब जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था और काफ़ी सारी चीज़ें हुई वहाँ पे, बट कोई बात नहीं, मैंने छोटी छोटी क्लिप्स अरेंज कर ली है। आज आपको चलो जिम का टूर भी करा देता हूँ, लेट्स गो। रिपीटिशन जो है वो 15 से 10 के बीच ही रखना, और ट्राई करना जिस भी मसल की एक्सरसाइज आप कर रहे हो वो उस पर्टिकुलर मसल पे हिट हो। लाइक डेडलिफ्ट के बाद जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी वो काफ रेज थी, तो उसे ज़रूर ऐड ऑन करना अपने शेड्यूल में, उसे बिल्कुल ही मत भूलना। तो गाइस वर्कआउट ऑलमोस्ट डन हो चुका है और जिम भी बंद होने वाला है। गाइस हम पहुंच चुके हैं हॉस्टल वापस, आ चुके हैं हम वर्कआउट के लिए। देख सकते हो गाइस कितना गंदा रूम है सीएम का, सत्यार्थ का भी। क्या बना रहे हो भाई? भाई तो भाई ये हॉस्टल लाइफ है इतनी, तो मतलब मेरे को एक बात कंप्लीट करनी थी, मतलब इफ़ यू रियली वांट टू वर्कआउट तो ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारा जिम कैसा है, तुम कहाँ वर्कआउट कर रहे हो। लॉकडाउन में ऐसा भी हुआ कि मैंने घर पे वर्कआउट किया, मतलब बिना किसी इक्विपमेंट के, बस एक रेजिस्टेंट बैंड मंगवाया था और उसी के साथ वर्कआउट करता था, मतलब दिन में एक घंटा। तो बस यही है, बहाने मत बनाओ, इफ़ यू हैव विल तो मतलब तुम कैसे भी कर सकते हो एनी हाउ। तो अपने आप को किसी भी एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, चाहे जिम हो, स्पोर्ट हो, कुछ भी हो, मतलब अपने दिन में एक घंटा ऐसा दो, मतलब काफ़ी बेनिफिशियल होता है एंड रिफ्रेशिंग होता है। मतलब एक्सक्यूजेस मत दो कि यार मेरे पास जिम नहीं है, घर के पास जिम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, और अब इतनी दूर जाना पड़ेगा, ये जाना दूर। जो मतलब अच्छे जिम थे वो काफ़ी दूर थे, इसलिए नहीं जा पाता मैं वहाँ पर, मतलब काफ़ी टाइम वेस्ट होता है जाने आने में, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी का जिम ही सी में जाता हूँ। और अपने आप को फिट रखो यार, और क्या ही रखा है। तो मैंने मिल्क बॉईल करा था और रात में मैंने मिल्क तो बॉईल किया हुआ है, और एग आज बॉईल ही करूँगा क्योंकि आज ये चिकन बना रहे हैं, तो आज अपना प्रोटीन चिकन से पूरा करते हैं, ठीक है।